भारत विविधताओं का देश है, और जब बात आए नदियों और झरनों की तो जिक्र चलता है मध्य प्रदेश का भी, और मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की वाटरफॉल कैपिटल है। इनफैक्ट वाटरफॉल कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम इसे कह सकते हैं। तो चलिए फिर आपको आज लेकर चलते हैं इन्हीं वाटरफॉल्स की सैर पर, और इन झरनों की सैर मैं आपको कराने वाला हूँ मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट रीवा और फेमस जबलपुर में। आई एम श्योर ये ट्रिप आपको रोमांच से भर देगा और आप वर्चुअली इन सभी वाटरफॉल्स को इंजॉय कर सकेंगे। बारिश के महीने में इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़कर हम पहुंचे जबलपुर, और ये आगे का सफ़र हमने तय किया ई रिक्शा पे। तो लगभग एक घंटे में हम पहुंच गए द फेमस धुआंधार वाटरफॉल। यहाँ से शुरू हो जाती है धुआंधार की मार्केट, लोकल मार्केट, और जहाँ पर लोकल आर्टिसंस अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बेसिकली ये एरिया संगमरमर की रॉक से घिरा हुआ है, तो यहाँ सारी शॉप्स वो हैं जो आपके लिए सोविनियर्स बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगमरमर के ऊपर आपका नाम लिख कर दे देते हैं। ये देखिए सामने कितने सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। अभी कुछ समय पहले ही माँ नर्मदा अपना विकराल रूप सबको दिखाकर आगे बढ़ चली, लेकिन बाढ़ के निशान आपको जगह जगह दिखेंगे। ये ऊपर अभी आपने रोप वे देखा, ये भी टूटा हुआ है। इतनी ज़्यादा पानी भर गया था कि रोप वे जहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो भी टूट गया। मैं इनसे बात कर रहा था भाई साहब से कि करें क्या, तो कह रहे अभी तो आप सामने वाटरफॉल दिख रहा है, इसको एंजॉय करें। धुआंधार वाटरफॉल न सिर्फ जबलपुर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इट इज़ वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट। कोई मुझे बता रहा था कि इसकी ऊंचाई 18 मीटर है, कोई बता रहा था 10 मीटर है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आपको ये एक बड़ी उफनती हुई नदी दिखेगी, ना कि वाटरफॉल। चारों तरफ मार्बल रॉक्स, संगमरमर की चट्टानें जिनके बीच से बहती हुई माँ नर्मदा और अपना विकराल रूप दिखाती हुई धुआंधार वाटरफॉल। पानी की स्पीड देख रहे हैं आप, दिस इज़ अमेजिंग, बट इट इज़ आल्सो डेवेस्टेटिंग। सामने देखिए, जब इसकी धाराएं पत्थरों पर गिरती हैं ना, तो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जब गिरती हैं तो ऐसा झरना बन जाता है, तभी इसका नाम है धुआंधार। दिस इज़ द व्यू आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट। चलिए अब आपको फॉल तो दिखा दिया, अब मैं दिखाऊं यहाँ पर रिलीजियस रिचुअल्स भी बहुत होते हैं। लोग माँ नर्मदा की शरण में आते हैं, पूजा करते हैं और माँ से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। भुट्टा खाएंगे आप? भुट्टा बहुत टेस्टी है, हमने सोचा हम भी एक भुट्टा ब्रेक ले लें और चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट में जो आप देख रहे थे ये है मार्बल रॉक्स, यहाँ सारे ही रॉक्स मार्बल के हैं, और इन्हीं रॉक्स से तोड़ तोड़ कर आगे जो आर्टिस्ट बैठे ना
जो दिखाए मैंने आपको वो बनाते हैं आपके लिए कलाकृतियाँ। तो धुआंधार वाटरफॉल की सैर हुई ख़त्म और हम चलते हैं हम भेड़ाघाट की तरफ। भेड़ाघाट इज़ क्वाइट फेमस। चलिए चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ भेड़ाघाट क्या है, क्यों फेमस है। एज़ यूजुअल वी आर ऑन ई रिक्शा। तो जी हम पहुंच गए हैं भेड़ाघाट और आपके सामने है नौका विहार प्रवेश द्वार। आई थिंक यहाँ से नीचे जाएंगे तो होगा भेड़ाघाट के दर्शन। चलिए चलते हैं। यहाँ से वहाँ तक लंबी मार्केट पूरी जो है मार्बल आर्टिफैक्ट्स की है और आप देखना किसी किसी दुकान में या बहुत सारी दुकानों में आपको बहुत सुंदर सुंदर शिवलिंग मिलेंगे। मैं और मेरी फैमिली यहाँ दिखेंगे आपको विनाश के बहुत सारे सबूत। ये अभी ऊपर आपने गौर किया था, वहाँ सारा पानी मटमैला और कीचड़ जमा था। इसका मतलब माँ नर्मदा जब उनमें बाढ़ आई तो इतना ऊपर तक उठ गई थी, लगभग 30-40 फीट ऊपर। अभी तो पानी उतर गया है बट सारे निशान छोड़ गए हैं। जय माँ नर्मदा। संगमरमर की चट्टानों के बीच माँ नर्मदा में चांदनी रात में बोटिंग करने का मज़ा, वाह वाह। लो ये थोड़ी ऐसे नहीं, वो देखो गया। नहीं मिला ना, जहाँ तुमने कहा वहीं डाला ना। कहाँ बताया यहाँ डालना था, तुमने बोला बस डालो, कहना था यहाँ डालो, मिला बस। यहाँ ऊपर माँ नर्मदा का मंदिर भी है और ऊपर लिफ्ट लगी है, अभी तो खैर चल नहीं रही। वहाँ पर एक कैफ़े है, अभी वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। भेड़ाघाट में संगमरमर की कई चट्टानें तो 100-100 फीट ऊंची हैं, अभी तो सब डूबा हुआ है पानी में। ये है वो कैफ़े जिसकी मैं बात कर रहा था। आप जब भी यहाँ आए तो ऊपर चाय पकौड़े इनको एंजॉय कर सकते हैं। जगह बहुत अच्छी है, द फील इज़ गुड, एम्बियंस इज़ क्वाइट नाइस। यहाँ से लिफ्ट भी नीचे जाती है, आजकल तो बंद है क्योंकि बाढ़ आ गई। यहाँ तक का सफ़र था धुआंधार और भेड़ाघाट का। अब चलिए आपको एक और जगह दिखाते हैं जो यहाँ बहुत फेमस है। चलते हैं 64 योगिनी गौरी शंकर मंदिर। तो लीजिए जी हम पहुँच गए हैं मंदिर की सीढ़ियों पर। ये शायद भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की मूर्तियाँ स्थापित हैं। जय शिव शंकर। चलिए मंदिर लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं मंदिर का भव्य स्वरूप। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए माँ नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी थी। आप इसका इतिहास पढ़ लें। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं प्रभु के। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10th सेंचुरी में यहाँ के शासक युवराज देव ने कराया था। आर्किटेक्चर वाइज दिस टेंपल इज़ अ मार्वल। बाद में रानी गौसला देवी ने भी इसमें एडिशंस कराए और शिव और पार्वती के मंदिर की स्थापना की। जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं, त्रिभुजा आकार में यहाँ पर विभिन्न योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। हालांकि बहुत सारी तो लोगों ने तोड़ दी या बाद में ऐसा कहा जाता है कि आक्रांताओं द्वारा इनको नष्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये भी एक फैक्ट है कि
मंदिर के गर्भगृह तक वो नहीं पहुंच सके और उसको नष्ट नहीं कर सके। कुल मिलाकर पूरे मंदिर परिसर में निर्माण भव्य है, बहुत विशाल है और बहुत अच्छा है। और यहाँ से ठीक नीचे आपको माँ नर्मदा के दर्शन भी सीधे हो जाते हैं। वैसे मैं चाह तो रहा था कि वीडियोग्राफी पूरी करके आपको दिखाऊं, बाहर तक तो सब ठीक था, पर मैंने जब कोशिश की कि मैं मंदिर के अंदर गर्भगृह में भी आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर मना कर दिया गया। इसलिए मैं आपको अंदर तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन बाहर सभी योगियों की मूर्तियाँ, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है और आप यहाँ आएंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा। तो आज का हमारा जबलपुर का पूरा ट्रिप, जिसमें आपने देखा धुआंधार, भेड़ाघाट और अभी आप हैं 64 योगिनी भगवान गौरी शंकर मंदिर में, यहाँ का सफ़र यहीं तक था। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पुरवा वाटरफॉल, विच इज़ एन अमेजिंग वाटरफॉल, एंड उसके बाद देखिएगा आप चचई वाटरफॉल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।